बच्चों, पिछले क्लास में हमने प्रश्न उत्तर लिखा था, ठीक है। अभी मैं समझती हूँ कि या सोचती हूँ कि आपने प्रश्न उत्तर अपने क्लासवर्क में लिखा होगा। यदि नहीं लिखा है तो जल्द से जल्द कंप्लीट कीजिए और अपने टीचर्स को फॉरवर्ड कीजिए, ठीक है। आज हम सीखेंगे कुछ नया, जो है सच्चा विद्यार्थी। सच्चा विद्यार्थी यानी क्या है? सच्चा मीन्स फेथफुल, हाँ, विद्यार्थी में स्टूडेंट्स है क्या? अच्छा, या गुड विद्यार्थी। सच्चा विद्यार्थी का मैं अभी एक एक लाइन करके पढ़ते जाती हूँ। उसी तरह आपको अपने टेक्स्ट बुक में फिंगर रखना है। ऑन द यू हैव टू कीप योर फिंगर ऑन द लाइन, देन यू विल गेट टू नो व्हाट इज द मीनिंग एंड व्हाट इज द वर्ड एंड व्हाट इज द सेंटेंस। ओके, सो एक एक करके आपको सेंटेंस पढ़ते जाती हूँ। वैसे ही आपको टेक्स्ट बुक पर फिंगर रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 10 है, पार्ट नंबर 2 है और पार्ट का नाम है सच्चा विद्यार्थी। तो चलिए स्टार्ट शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, राजगढ़ के समीप के जंगल में एक हिरण रहता था। उसकी बहन दूर से दूर जंगल में रहती थी। एक सुबह उसकी बहन राजगढ़ के समीप के जंगल में अपने भाई के पास आई। उसके साथ उसका पुत्र भी था। वह अपने भाई से मिलकर बोली, भैया, मैं आपके पास सहायता के लिए आई हूँ। क्यों नहीं बहन, तुम्हारी सहायता के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, हिरन ने कहा। भैया, जंगल में जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ मुझसे अपने बेटे के लिए कोई उपयुक्त शिक्षक नहीं मिल रहा। मैंने इसे आपके पास इसलिए लाई हूँ ताकि आप इसे कुछ शिक्षा दे सके। बहन, तुम मुझसे क्या चाहती हो, बोलो। मैं इसे क्या सिखाऊं, हिरन ने पूछा। मैं चाहती हूँ मेरा पुत्र यहाँ सीखे कि शिकारियों द्वारा लगाए गए जाल में किस प्रकार से बचा जा सकता है और शिकारियों को किस प्रकार मूर्ख बनाया जा सकता है। जंगल में रहने के लिए यहाँ सभी सीखना आवश्यक है, ठीक है। हिरन ने अपने भांजे की तरफ देखा और बोला, ठीक है, कल से मैं तुम्हारा अध्यापक हूँ और तुम मेरे विद्यार्थी होंगे। आओ आज हम आराम करें, कल सुबह जल्दी ही उठ जाओ। अगले दिन से हिरन का भांजा प्रतिदिन एक न एक नई शिक्षा सीखता। सीखा हुआ प्रत्येक सबक उसे और निर्भय बनाता। शीघ्र ही उसमें आत्मविश्वास आ गया। उसे सीखते सीखते 2 माह हो गए थे। उसी बीच हिरन की बहन अपने जंगल वापस लौट गई थी। कुछ दिनों के पश्चात हिरन के भांजे ने सोचा कि अपनी माँ से मिलाने जाना चाहिए। हिरन अपने भांजे को छोड़ते स्वयं ही अपना बहन के पास घर गया। हिरन की बहन ने पूछा, भैया, तुम इतने दिनों बाद आए हो, अब कुछ दिन यहीं रहकर आराम करो, उसके बाद वापस जाओ। हिरन एक सप्ताह वहां रुकने के लिए मान गया, ठीक है। आज के लिए इतना हम सीखेंगे, ठीक है। यह एक जंगल की कहानी है। वहाँ है 2 हिरण है, एक हिरनी है और एक हिरन है। वो दोनों भाई बहन है और वो रहते हैं दूसरे दूसरे जंगल में। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं एक अच्छी कहानी की। यहाँ पे 2 हिरण है, एक हिरन मेल है और एक हिरन फीमेल है। ये दोनों भाई बहन है। एक हिरन जो है मेल हिरन जो है वो राजगढ़ के जंगल में रहता था, उसके समीप के दूर से दूर जंगल में। और एक हिरनी हिरनी रहती थी और वो दोनों भाई बहन थे। और वो हिरनी को एक पुत्र भी था। तो वो हाँ क्या करती है, वो राजगढ़ से समीप के जंगल से अपने भाई के लिए मिलने के भाई को मिलने के लिए आती है। तो मिलने के लिए आने के बाद भाई भी बहुत खुश हो जाता है और आने की वजह पूछता है। आने की वजह पूछने पर वो कहती है कि
भैया मैं आपके पास एक मदद के लिए आई हूँ, क्या आप मेरी मदद करोगे? तो वो कहता है कि क्यों नहीं बहना, क्या चाहिए तुम्हें मुझसे करके पूछता है। तो वो पूछने पर वो कहता है, हिरनी कहती है कि भैया ये मेरा पुत्र है, इसको मुझे शिक्षा देनी है और मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे ऐसे अच्छे शिक्षक नहीं हैं जैसे मुझे चाहिए, वैसे शिक्षक नहीं है और इसको शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है। तो हिरन कहता है कि मुझसे क्या ऐसी हेल्प मदद चाहिए, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ बताओ करके बोलने में वो हिरनी क्या कहती है, जो बहन क्या कहती है, भैया इसे ऐसे शिक्षा दो कि जब भी एक शिकारी शिकार करे या शिकार जाल डाले तो उससे भागे कैसे और उसको चकमा देके बाहर निकल के अपनी जान बचाई कैसे जाते जा सकती है, इसका अभ्यास इसको दे दो करके कहती है। तो उसके बाद क्या होता है, तो हिरन जो है थट से मान जाता है और कहता है कि क्यों नहीं बहना, क्यों नहीं सिखा सकता, मैं सब कुछ सिखाऊंगा। तो जो मेल हिरन है वो क्या करता है, वो अपनी भांजे की तरफ, जो छोटा हिरन है ना उसके तरफ देखता है, वो उसको भांजा लगना है, यानी कि भांजा यानी कौन है, जो मम्मी का जो भाई जो रहता है और मतलब आपके मामा जो है आपको भांजे और मामा भांजे के रिलेशन में होता है, मामा यानी कि मम्मी का भाई जो है, यानी कि आप मम्मी के बेटे हो तो आपका मामा आपको भांजा, यानी कि आप मामा को भांजे लगते हो, ठीक है, मामा और मम्मी का यानी कि आपके मम्मी का जो आप अभी जो हो उन दोनों का रिलेशन मामा और भांजे का रहता है। तो वो भांजे की तरफ, छोटे भांजे की तरफ, बच्चे की तरफ देखता है और कहता है कि ठीक है भांजे, मैं कल से तुम्हारा अध्यापक बन जाऊंगा और आज तुम मेरे, आज से मेरे शिक्षक हो करके, तो आज के लिए हम आराम करेंगे, कल सुबह जल्दी उठकर हम अभ्यास की शुरुआत करेंगे करके कहता है। तो क्या होता है, इतना बोलकर वो हिरणिया ने के इसकी बहन, हिरण की बहन अपने जंगल में चली जाती है। तो इसी तरह रोज़ एक नया शिक्षा देने के बाद वो जो हिरण, छोटा हिरण जो रहता है, छोटा भांजा अपना भांजा जो रहता है, वो दिन ब दिन निर्भय होता जा रहा है, उसको आत्मविश्वास बढ़ता है कि मुझे भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ करके। तो वो क्या कहता है कि ऐसे ही उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है, ऐसे ही 2 महीने हो जाते हैं तो वो हिरण जो रहता है उसके मन में आता है कि क्यों ना मैं बच्चे को अपने मामा के पास मिलाने के लिए लेके जाऊं करके। वो क्या कहता है, खुद हिरण होके अपने भांजे को जंगल लेके जाता है। जंगल लेके जाने के बाद वहाँ के अपनी बहन से मिलता है। बहन से मिलने के बाद बहन कहती है कि क्यों, बहन कहती है कि भैया तुम इतने दिनों बाद आए हो और तुम कुछ दिन के लिए रह जाओ करके ऐसे कहता है। तो इसका आपको हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है तो मैं फिर से एक बार जब पूरा कहानी ख़त्म होता है तो मैं आपको कन्नड़ में ट्रांसलेट करके बता दूँगी, ठीक है। और हिंदी में समझ आ रहा है, हिंदी में समझता है तो अच्छी बात है, और जिनको कन्नड़ नहीं समझता उनके लिए एक बार मैं इंग्लिश में भी, हिंदी और कन्नड़ समझ में नहीं आ रहा उनको एक बार मैं कन्नड़ या किसी भाषा में, कन्नड़ और या माफ़ कीजिए कन्नड़ या इंग्लिश में समझा देंगे, ठीक है। आगे जो है वो अगले क्लास में हम पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।